व्हाट्सएप गवर्नर राइज ऑफ किंगडम के इस सुपर एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये सुपर एक्साइटिंग किस लिए है ये आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आप राइज ऑफ किंगडम्स का वीडियोस देखते हैं, राइज ऑफ किंगडम्स खेलते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं राइज ऑफ किंगडम्स का वीडियोस लेके आता रहता हूँ, उसके सब गाइड्स टिप्स सब कुछ के बारे में। ओके, तो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली अभी मेरा सी एच जो है इसको 20 से 21 में अपग्रेड करने वाला, मतलब अपग्रेड में बैठा गया था। तो आज ये दो दिन बाकी है अभी इसको अपग्रेड कंप्लीट होने के लिए, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा अभी स्पीड अप यूज़ करके, अभी कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो स्पीड अप यूज़ करते हैं। ओके, कहाँ पे है, दो दिन ना, दो दिन तो 8 आवर्स का तीन गया तो चार गया, 18 आवर्स बाकी है अभी, 60 मिनट्स का 17 नॉकआउट हो गया ये भी। ओके, 30 मिनट्स का ये, 10 मिनट्स का और 5 मिनट्स का नीचे चाहिए, तो 1 2 3 4 जल्दी हो जा भाई यार। ओके, तो हो गया मेरा सिटी हॉल 21 पे। तो ये मेरा फ्यूडल एज पे मेरा जा चुका है, मेरा बेस, मेरा जो सिटी है, मेरा जो सिविलाइजेशन है, ये फ्यूडल एज पे एंटर कर चुका है। ओके, अभी ये तो कुछ बकेगी। ओके, छोड़ देते हैं इसको, मेरा ये साउंड ऑफ है, थोड़ा साउंड को इसको ऑन कर लेते हैं, साउंड्स को एसएफएक्स। ओके ओके ओके, वन स्टेप अहेड। अब ये मुझे खरीदने के लिए बोल रहा है, नहीं मुझे अभी कुछ खरीदना नहीं है, मैंने ऑलरेडी खरीद चुके हैं, मुझे जो चाहिए था वो मैं परचेस कर चुका हूँ। तो अभी मैं करूँगा क्या, अभी मेरा जो ये अकेडमी है इसको 21 करना है। क्यों? क्योंकि T4 यूनिट्स अनलॉक होता है अकेडमी 21 पे, तो मुझे 21 का अकेडमी चाहिए। तो मैं बिल्डिंग को, इस अकेडमी को अपग्रेड करने से पहले, अपग्रेड में बिठाने से पहले एक रून कलेक्ट कर लूँगा जो कि मेरा बिल्डिंग को स्पीड करेगा। ये रून अभी 6 मिनट बाकी है, मुझे 6 मिनट के अंदर ये कलेक्ट करके मेरा बिल्डिंग को अपग्रेड करना है। तो उससे पहले ये बात मैं बता दूँ आपको कि बहुत लोग आप में से, मैं भी एक्चुअली फर्स्ट जो स्टार्ट किया था गेम, तो मैंने भी ये गलती की थी, और आप लोगों में से भी कई लोग गलती करते हैं कि रून को जो है किसी बिल्डिंग को अपग्रेड बैठाने के बाद रून को कलेक्ट करते हैं, और सोचते हैं कि वो जो एक घंटा रहता है, एक घंटा में आपका बिल्डिंग का स्पीड, मतलब स्पीड अप हो जाएगा, एक घंटा तक आपका बिल्डिंग ज़्यादा स्पीड से अपग्रेड होगा। तो ये क्लैश ऑफ क्लैंस की तरह नहीं है कि आप किसी बिल्डिंग को अपग्रेड में बैठा दिया, फिर ट्रेनिंग में बैठा दिया आपने ट्रूप्स को, उसके बाद बूस्ट यूज़ किए तो वो टाइम 4 घंटा पूरा स्पीड से ट्रेनिंग होगा, ऐसा बात नहीं है। ये ऐसा है कि आप किसी बिल्डिंग को अपग्रेड बैठाने से पहले ही आपको रून को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये छूट ना जाए मुझसे, तो कलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, मेरा ये एक बिल्डिंग स्पीड अप का रून है, इसके सामने है वो एरर, मेरा ये विजडम रिसर्च स्पीड अप 10%, आज 15% वाला नहीं मिला मुझे, कभी कभी 15% वाला भी मिलता है, मुझे कल मिला था लेकिन मैंने नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने कल नहीं करके। तो मेरा अभी कलेक्ट हो चुका है रून, अभी ये देखिए मेरा जो रून ऑफ आर्टिफिशियल बिल्डिंग 7% स्पीड अप से होगा, ज़्यादा स्पीड से, तो मैं इसको अपग्रेड में बैठा देता हूँ 2 days 16 hours। ओके, बैठा देते, ओहो मेरा अलायंस की हेल्प चाहिए अभी, प्लीज एवरीवन। हिट द हेल्प बटन, अर्जेंट, सबको बोल देता हूँ। तो मैं इसके बारे में और एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका अलायंस पे हो सके तो आप अपने लीडर को बोलिए आपको थोड़ी देर के लिए किसी बिल्डिंग को, मतलब अपग्रेड बैठाने से पहले, कहीं बड़े बिल्डिंग को अपग्रेड बैठाने से पहले, लॉन्ग टर्म के से पहले बोलिए कि आपके लीडर को बोलिए आपको R4 दे दे, जो कि काउंसिलर है वो दे दे, क्योंकि उसमें बिल्डिंग होता है वो स्पीड अप होता है 1% और रिसर्च भी 1% होता है। तो मेरा तो बिल्डिंग तो हो गया, मैं अभी रून ऑफ विजडम कलेक्ट कर लेता हूँ उसके बीच, और क्योंकि मेरा थोड़ा काम है अभी, तो मेरा थोड़ा टाइम वीडियो को पोज करूँगा उस तक, ये तो एक घंटा तक रहेगा मेरा, और मेरा जो अलायंस से हेल्प है वो भी मिल जाएगा, थोड़ा टाइम मैं वेट करता हूँ इसमें। ओके, तब तक
ओके इसको बैक कर लेते हैं. तो ये देखिए मेरा रून ऑफ विजडम ये 59% हो गया. ओके नहीं इसको मैं इसके सामने ही रखता हूँ 13 मिनट्स पहले. ये मैं फिर से कलेक्ट कर लूँगा थोड़े एक दो मिनट पहले, क्योंकि मुझे जो मेरा बिल्डिंग अपग्रेड है ये जो हेल्प है ये अलायंस हेल्प किसी भी बिल्डिंग को अपग्रेड बैठाने से पहले और स्पीड अप यूज करने से पहले अपना जो जितना हेल्प हो सके उतना ले लीजिएगा. ओके तो अभी इस वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, उसके बाद मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँगा जब मेरा हेल्प कंप्लीट हो जाएगा. ओके सो आई एम बैक और मुझे देखते हैं कितना सारा हेल्प मिला. अभी जितना हेल्प चाहिए था 23 out of 23 हेल्प मुझे मिल चुका है. अभी मैं इसको स्पीड अप यूज़ कर सकता हूँ इसके ऊपर. ओके तो मैं इसके ऊपर स्पीड अप यूज़ करता हूँ. कौन सा यूज़ करूँ कौन सा. ओके 60 आवर्स वाला 49 चला गया. अरे ओके ओके 46 मिनट्स बाकी है तो 30, 15 और 1 मिनट्स. ओके तो मेरा एक बिल्डर और ये स्टेबल रुके स्टेबल को अभी रहने देते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं. तो एक्चुअली ये वीडियो इज ऑल अबाउट गेटिंग माई T4 यूनिट्स. मेरा T4 यूनिट पाने के लिए इस वीडियो में मतलब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करने से सबसे बेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप T4 को पा सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले ही बात तो ये है कि T4 को रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है. अब देखिए यहाँ पे 19.7 डेज, अभी मेरा रून कलेक्ट करने के बाद भी 19.7 डेज, और अगर रून कलेक्ट नहीं होता तो 21 डेज के करीब लग जाता. तो इसके लिए आप सबसे पहली तो ये कीजिए कि रून तो कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप आपका अलायंस जितना ज़्यादा हो सके मतलब आपका अलायंस का जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी में रिसर्च टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी रिसर्च जितना हाई हो सके उतना हाई कीजिए. आपको लीडर को बोलिए कि हाई कर दे. तो ये वाला एक्चुअली रेडी था लेकिन मैंने बोला था अपने लीडर को कि इसको रिसर्च करे, लेकिन हमारे एक CF को न्यू बिल्ड करने की वजह से हमारा रिसोर्स कम है इसलिए इसको कर नहीं पाए. तो ओके इट्स नो प्रॉब्लम. लेकिन मैंने एक गलती कर दी. क्या गलती कर दी कि एक्चुअली मैं यहाँ पे ये देखिए डेवलपमेंट पे है यहाँ पे ये इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, मैंने इंजीनियरिंग को ज़्यादा अपग्रेड कर दिया और मैथमेटिक्स को इग्नोर कर दिया. लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं आया कि इंजीनियरिंग तो बिल्डिंग्स के लिए चाहिए, तो बिल्डिंग तो इतना ज़्यादा दिन लगता नहीं, हाईएस्ट कितना लगता है अभी तक 6 डेज मुझे लगा. लेकिन ये जो रिसर्च करता है रिसर्च में ये देखिए T4 के 19 डेज अभी चाहिए, अभी भी 19 डेज चाहिए. तो इसको अपग्रेड करने के लिए अगर मैं मैथमेटिक्स को अपग्रेड करता तो मेरा ये 19 डेज और भी कम हो जाता. तो आप जितना हो सके मैथमेटिक्स को अपना मैथमेटिक्स को मैक्स कर दीजिए, जितना हायर लेवल तक ले सकते हैं उसको लीजिए, इंजीनियरिंग को इग्नोर कर सकते हैं आप. ओके तो मैंने ये भी इग्नोर किया, इग्नोर करना चाहिए था. उसके बाद आपका हो सके अगर आपके पास बिल्डिंग स्पीडअप्स एनफ बिल्डिंग स्पीडअप्स है तो अपने अलायंस सेंटर को इसको अपग्रेड कर दीजिए, क्योंकि आपका जो 23 डेज देखिए ये 23 हेल्प है, ये 23 से 24 हो जाएगा आपका अलायंस को आगे बढ़ने से. ये भी मैंने गलती कर दी कि इसको मैंने 21 तक नहीं 20 तक पहले ही नहीं बनाया, 19 में छोड़ दिया. तो इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ अभी, और इसका हेल्प मिलता है या नहीं इसका मैं वेट नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अभी T4 के लिए जाना है, T4 को पाना है. तो T4 को पाने से पहले मुझे ये 24 बनाना है, हो सके तो 25 बना दूँगा मैं. ओके 25 वैसे भी बनाना तो है अभी, तो इसको मैं 25 बना दूँगा जल्दी से जल्दी. देखिए ये मेरा हेल्प जो मिलता है अभी, देखिए 4 हेल्प में कितना टाइम मेरा डिक्रीज हुआ ये आपको दिखाई पड़ेगा अभी. ये देखिए 1 hour 33 minutes 4 हेल्प में, वो भी एक 1 day and 14 hours के मतलब 1 day 15 hours के एक अपग्रेड में देखिए एक डेढ़ घंटा के करीब हो चुका है 4 हेल्प से. तो फिर सोचिए 19 डेज के हेल्प में 19 डेज के अपग्रेड में आपको 24 हेल्प मिल जाए तो कितना घट जाएगा. तो मैं इसको तो 21 पे लेके जाऊंगा जैसे भी हो, मेरा यूनिवर्सल स्पीड अप को यूज़ करके भी इसको मैं 21 डेज पे ले जाऊंगा, तो वो लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है. तो
अभी मैं इसके लिए थोड़ा रुक जाता हूँ, ये लग रहा है कि हेल्प जल्दी से मिल जाएगा, तो इसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाता हूँ। ओके, मैं फिर से आ गया, तो ये मुझे 15 हेल्प अब तक मिल चुका है, तो नहीं वेट नहीं करूँगा और फिर इसको स्पीड अप कर देते हैं। स्पीड अप यूज़ करते हैं, पहले 60 मिनट्स का सब, फिर 30 मिनट्स का जितना है, चलो 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 15 मिनट्स गायब हो जाओ। ओके ये 20, ओके ये सारा जाएगा, नहीं नहीं गया। ओके कुछ सेकंड्स बाकी है, तो मुझे ये इतने एक्साइटमेंट हूँ मैं कि वेट नहीं कर सकता, पूरा हेल्प आने के वेट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रिसर्च में ही वेट करूँगा, क्योंकि वो 19 डेज है, वहाँ पे अगर मैं सारा हेल्प मुझे मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा, मेरा बहुत ही कम खर्च जाएगा। तो मेरा ये बिल्डिंग तो वैसे भी अपग्रेड करना ही है, तो मैं इसको अपग्रेड करके 21 पे ले जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा रिसर्च जो है, रिसर्च को तो आज T4 लेके छोड़ूंगा, और T4 लेने के बाद स्पीडअप देखते हैं कितना स्पीडअप, ये ट्रेनिंग स्पीडअप बहुत सारा है मेरा पास, ट्रेनिंग स्पीडअप कितना दिन का है वो भी। ओके रुकिए, ये पहले मैं अपग्रेड देता हूँ। मैंने कैलकुलेशन करके रखा था कि मेरा ट्रेनिंग स्पीडअप मेरे पास कितना सारा है, कि मैं देख के आपको बताता हूँ। ये पे ऊपर है कहीं पे, मैंने फ़ोटो दिया था, मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए बिल्डिंग स्पीडअप मेरे पास 153 मतलब 6.39 डेज का था, अभी तो ख़त्म हो गया। ट्रेनिंग स्पीडअप 33.64 डेज का है, तो मैं एक्चुअली कैवलरी को, मेरा जो कैवलरी है उस यूनिट को मैं रिसर्च करूँगा सबसे फर्स्ट, और उसको ही बनाऊँगा। एटलीस्ट मैं हो सकता है तो 100,000 बनाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है तो, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग स्पीडअप 100,000 बनाने के लिए इतना काफ़ी है नहीं, लेकिन मेरे पास यूनिवर्सल स्पीडअप भी है जिस जो कि 78.31 डेज का है, जिसको मैं यूज़ करूँगा अपने मतलब 100,000 कैवलरी यूनिट बनाने के लिए। क्यों कैवलरी, क्यों दूसरा इन्फेंट्री या आर्चर क्यों नहीं, क्योंकि कैवलरी जो है ये मेरा सिविलाइजेशन जर्मनी का बेस्ट यूनिट है, ये ही मेन यूनिट है, इसलिए कैवलरी बनाता हूँ। हर एक सिविलाइजेशन का अलग अलग बेस्ट यूनिट रहता है, किसी का इन्फेंट्री, किसी का कैवलरी, किसी का आर्चर। ओके तो मेरा ये तो हेल्प, कितना हेल्प मिला ये ओके देखते हैं, मेरा रून कितना टाइम बाकी है, रून बाकी है 41 मिनट्स चलेगा, हेल्प 9 मिला है, और भी थोड़ा टाइम वेट करते हैं, देखते हैं, देख के बताते हैं। ओके सो देखते हैं कि हमें कितना सारा हेल्प मिल चुका है, अभी तक 17 हेल्प मिल चुका है, इसमें कितना टाइम घटा है देखते हैं। ओके 7 hours 25 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। ओके अभी इसको हम बूस्ट यूज़ कर लेते हैं, पहले 5 मिनट्स वाला सब ख़त्म कर देते हैं। ओके अभी 20 आवर्स बाकी है, 20 आवर्स को मैं ये 15 आवर्स वाला एक 3 नो 8 आवर्स, ये गलती हो गया था, ये गेम में अच्छा दिया है कि ये वार्निंग देता है कि आप अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो वार्निंग देते थे कि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब बोल देते कि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या आप वो करना चाहते हैं, ऐसा करके बोल देते हैं। ओके ये वाला ऐसे बोल, ये बोल देना अच्छी बात है, तो हमको गलती से ये 8 hours का, अगर 3 hours के जगह 5 hours के जगह में 8 hours यूज़ कर देता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता, 3 hours का नुकसान हो जाता। जो भी हो वो सब छोड़िए, अभी देखिए ये हम, मेरा ये जो है मैक्स अभी तक जितना लेवल तक आ सकता था ये आ चुका है। अभी टाइम है T4 के लिए, तो चलिए हम T4 को बैठा देते हैं रिसर्च में। मेरा सो एक्साइटेड, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, ये एक्चुअली मैं, मेरा थोड़ी आस पास थोड़ा लोग है इसलिए मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए चुपचाप हूँ, लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ओ मेरा लूम्बर थोड़ा कम है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा लूम्बर जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो कोई बात नहीं, मेरे पास लूम्बर स्टॉक पे है, ये यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ करके मैं जितना लूम्बर जितना है सारा ले लो, लेकिन मेरा T4 जो है अभी रिसर्च में बैठा दो। ओके मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मेरे पास सब कुछ है या नहीं। ओके 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 मेरे पास रूम जो है ये है, बूस्ट क्या कुछ है, बूस्ट बिल्डिंग स्पीडअप के लिए तो कोई बूस्ट है नहीं, नहीं
ओके ओके अभी रून है अलायंस पे तो हूँ अभी लीडर तो आया नहीं कि मुझे R4 काउंसिलर बना दे तो काउंसिलर के बिना ही स्टार्ट कर लेते हैं ओके 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 गलती मत करना कैवलरी पे जाना कैवलरी ट्यूटोनिक नाइट ये टू ट्यूनिक नाइट 19 days 7 hours ओके यही था ना हाँ यही था ओके 19 days 7 hours हेल्प रिक्वेस्ट सेंड हेल्प कितना मिलता है एक हेल्प मिलने से देखते हैं कि कितना घटता है चली एक हेल्प मिल गया इसमें कितना टाइम घटा देखते एक हेल्प में 4 hours 37 minutes एक ही हेल्प में इतना ज़्यादा देखी इतना ज़्यादा घट रहा है ये वाव इट्स ऑसम रियली ऑसम मेरा ऐसा करके 25 seconds 10 होने से मेरा 40 hours का कम हो जाएगा मेरा अरे यार दो दिन से ज़्यादा मेरा घट जाएगा दो दिन मेरा बच जाएगा दो दिन मतलब 17 डेज का मेरा स्पीड अप यूज़ करना पड़ेगा अभी जब भी स्पीड अप ओके तो मैं ये 25 होने तक ये वेट करूँगा चाहे कितना भी देर लगे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा जो रून है ये एक्सपायर हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपको रून किसी भी रिसर्च को बैठाने से पहले चाहिए उसको बैठाने के बाद उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं उसके बैठाने से पहले चाहिए लेना चाहिए तभी आपको वो रून काम करेगा तो मेरा तो अभी सब कुछ है मेरे पास ओके ये रिसर्च कंप्लीट करते ही मेरा ये जो स्टेबल है इसको भी अपग्रेड कर दूंगा तो एक्चुअली मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये तो बोल दिया था कि सुपर एक्साइटिंग वीडियो और क्या क्या मतलब सीक्रेट जैसा लेकिन यहाँ पे तो सीक्रेट तो कुछ भी रखूँगा नहीं क्योंकि मैं जो वीडियो का थंबनेल है उसमें ही दे दूँगा कि ये T4 रिसर्च करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है इसके बारे में ये वीडियो है तो जब तक मुझे हेल्प मिलता है तो मैं आपको थोड़ा सा T4 के बारे में बता देता हूँ तो सबसे पहले ये देखिए मेरा जो जर्मनी है यहाँ पे देखिए स्पेशल यूनिट जो है ये ट्यूटोनिक नाइट है तो ऐसा करके रोम का लीजनरी है ये आई गेस ये इन्फेंट्री यूनिट है ये ब्रिटेन का आर्चर है लॉन्गबोमैन फ्रांस का थ्रोइंग एक्समैन है ये इन्फेंट्री है सीज यूनिट किसी का भी नहीं है जो भी हो ओके तो आप T4 को रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा क्या क्या करना सबसे बेस्ट है तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप अपना जो अलायंस सेंटर है अलायंस सेंटर को मैक्स पे रखिए आप सीरीज को आपका 20 कंप्लीट हो गया उसके बाद आप अपने अलायंस सेंटर को भी 20 में बना लीजिए 21 कंप्लीट होते ही इसको भी हो सके तो इसको भी 21 कर लीजिए स्पीडअप यूज़ करके पूरा स्पीडअप यूज़ करके और क्या करेंगे और जो आपका रिसर्च है एकेडमी में रिसर्च है यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ये पहले तो ये राइटिंग जो है इसको मैक्स कीजिए उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स है इसको भी मैक्स कीजिए ओके और क्या कर सकते हैं आप अपने लीडर को बोलिए हो सकता है अगर लीडर आपका अच्छा है तो हो सकता है तो उसको बोलिए कि आप अपना T4 को रिसर्च करने के लिए बैठाएंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए जब तक रिसर्च के लिए आप बैठा ना दे तब तक के लिए आपको काउंसिलर बना दे अगर आप काउंसिलर नहीं है तो आपको काउंसिलर बनाने के लिए बोलिए तो तब क्या होगा आपको काउंसिलर का बफ मिलता है 1% एक्स्ट्रा बफ मिलता है ये देखिए बिल्डिंग स्पीड 1% एक्स्ट्रा और रिसर्च स्पीड 1% एक्स्ट्रा तो इन सब को लेने के बाद आप अपने T4 यूनिट को रिसर्च में बैठा दीजिए और अगर आपको एडवाइस करूँ तो आप अपने जो सिविलाइजेशन का स्पेशल यूनिट है उसी को सबसे पहले रिसर्च कीजिए उसके बाद दूसरे यूनिट को कीजिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कंप्लीट द रिसर्च लॉन्ग शॉर्ट्समैन ये बोला गया ये टास्क ये जो है क्वेस्ट दिया गया है तो मैं एक्चुअली इसको लॉन्ग शॉर्ट्समैन को नहीं बैठाया तो इसको बैठाने से मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलता है लेकिन मुझे रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए मुझे स्पेशल यूनिट चाहिए मुझे पहले तो स्पेशल यूनिट मुझे कहाँ से मिलेगा ट्यूटोनिक नाइट को रिसर्च करने से तो वो सब कलेक्ट करने के बाद जो आपका रिसर्च को स्पीड बढ़ाएगा वो सब तैयारी करने के बाद आप अपने
यूनिट को रिसर्च में बैठा दीजिए और वेट कीजिए जब तक आपका ये जो हेल्प है ये फुल ना हो जाए। ये फुल होने के बाद उसके बाद आप अपना चाहे तो स्पीड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर स्पीड अप नहीं है तो वेट कीजिए 17 डेज, ऑलमोस्ट 17 डेज को वेट कीजिए। तो ये एडवाइस करता हूँ आपको, अगर आप अभी नए हैं तो आप अपना स्पीड अप जमा कीजिए ये इसके लिए, इनके लिए, ये ट्यूटोनिक लाइट के लिए, मतलब ये T4 रिसर्च के लिए। मैंने भी जो रिसर्च है, मतलब रिसर्च के लिए भी बहुत सारा जमा किया था, और प्लस मैंने ट्रेनिंग के लिए भी जमा किया है। मतलब ट्रेनिंग भी मैं कंप्लीट होते ही, ये जो रिसर्च कंप्लीट होते ही मेरा ट्रेनिंग में भी बैठा दूंगा, बैठा के बहुत सारा यूनिट्स तुरंत ही बना दूंगा। उससे मुझे क्या होगा, उससे मेरा जो पावर है वो भी बढ़ेगा और मेरा मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये ओवरऑल बात क्या है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके गाइस, मैंने आप लोगों को तो ये बता दिया कि आप T4 के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन मैंने तो यहाँ पे गलती की थी कि मेरा जो अलायंस सेंटर है वो 19 में था जैसे, और प्लस मेरा जो ये टेक्नोलॉजी में है, ये मैथमेटिक्स, ये बहुत ही पीछे है। ये होने का रीज़न क्या है, एक्चुअली मैं अपने सिटी हॉल को 17 पहुँचने के बाद ही रश करना स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ उसी बिल्डिंग को अपग्रेड कर रहा था जो कि मुझे सिर्फ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और मैंने मैथमेटिक्स के जगह इंजीनियरिंग को इसीलिए चूज किया कि ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बिल्डिंग को अपग्रेड कर पाऊँ। ये भूल गया कि मेरा ये जो कैलकुलेशन, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि मेरा जो टाइमिंग है वो मैथमेटिक्स ज़्यादा कम करेगा। मतलब रिसर्च का टाइमिंग सबसे ज़्यादा लगता है, तो रिसर्च का टाइमिंग सबसे ज़्यादा घटाएगा कौन, मैथमेटिक्स। तो मैंने ये वाला बात मतलब इग्नोर तो नहीं किया, मैं ये मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं और मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो जो भी हो, मैंने जो गलती किया सो किया, आप मत कीजिएगा। आप अपने जो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मैथमेटिक्स को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। प्लस अपने अलायंस सेंटर को भी अपने CH के साथ ही साथ आगे बढ़ाते रहिए, ओके। और हो सके तो अपना जो स्पेशल यूनिट जो जिस बैरक से आएगा उस बैरक्स को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। मैंने अपने स्टेबल को 20 में दे दिया, 20 में अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो देखिए यहाँ पे मैं आपका दिखा देता हूँ, जब मेरा स्टेबल 21 लेवल का हो जाएगा तो इसका ट्रूप का डिफेंस बढ़ के 1.5% बदल जाएगा। ये आपने अगर ख्याल नहीं किया तो यहाँ पे आके देखिए, अपने स्टेबल पे इन्फो में क्लिक कीजिए, उसके बाद ये जो छोटा सा इन्फो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि जब आपका लेवल, आपका स्टेबल का लेवल 9 तक रहेगा तो आपको ट्रूप डिफेंस कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन 10 से लेके 15 तक 0.5, 16 से लेके 20 तक 1%, और 21 से लेके 24 तक 1.5% रहता है आपका जो ट्रूप डिफेंस है, और 25 लेवल पे 2% मिलता है। तो मैं इसको 21 कर दूंगा, 21 अभी नहीं करूंगा, पहले मेरा रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपना ट्रेनिंग कर लूंगा, अपने ट्रूप्स को बना लूंगा, उसके बाद 21 के लिए बैठा दूंगा। और उसमें कितना दिन लगेगा, 2 या 2.5 दिन लगेगा, और उसमें मेरा हो सकता है मैं उस पर भी स्पीड अप यूज़ करके मैं अपना ट्रूप का डिफेंस बढ़ा लूँ, ओके। तो देखते हैं हमारा कितना देरी हो गया, 17 हेल्प हो गया, इसमें कितना दिन कमाई है देखे, ओके ओके, 3 डेज 42 मिनट्स, वाह बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, 3 डेज 42 मिनट्स 17 हेल्प से। मैंने सोचा था कि 25 से मुझे 2 या 2.5 दिन घट जाएगा, लेकिन मुझे 17 में ही इतना ज़्यादा घट गया, ओके अच्छी बात है। तो थोड़ा और भी वेट करते हैं, 25 होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना स्पीड अप यूज़ करके, देखते हैं मतलब स्पीड अप यूज़ करके अपना ट्यूटोनिक नाइट को ले लेंगे, आज ही ले लेंगे, ओके ठीक है। ओके सो आई गेस मेरा 25 हेल्थ कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं, जी हाँ 25 हेल्थ कंप्लीट हो चुका है, ओके देखते हैं कितना टाइम खट चुका है मेरा, आई गेस 4 डेज से ज़्यादा तो खट चुका होगा, हाँ जी हाँ 4 डेज 6 आवर 49 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स खट चुका है, ये डिक्रीज हो चुका है मेरा, अभी मेरा टाइम है स्पीड अप्स यूज़ करने का, ओके।
मेरे पास एक स्पीड अप है, 7 डे स्पीड अप कहा गया। ये देखिए 7 डे स्पीड अप 2 है मेरे पास, तो मैं ये यूज़ करना चाहता था लेकिन नहीं, पहले मैं अपना रिसर्च जो स्पीड अप है उन सब को यूज़ करूँगा। रिसर्च स्पीड अप ख़त्म होने के बाद ही मैं यही करूँ या नहीं, तो अभी तो मेरे पास जो रिसर्च स्पीड अप है इन्हीं को यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो मैं पहले अपना रिसर्च स्पीड अप को यूज़ करता हूँ। तो ये 4-8 आवर वाला 15 चला गया, और ये 60 मिनट्स वाला कितना जाएगा, ये 124-125 सब चला गया। अब 4 डेज 18 आवर्स बाकी है, 30 मिनट्स वाला चला जाएगा, एक भी नहीं रहेगा यहाँ पे, एक भी नहीं रहेगा शायद। ओके 15 मिनट्स वाला भी सारा चला गया, 10 मिनट्स वाला, ओके 5 मिनट्स वाला कितना है, 308 गायब। ओके नो प्रॉब्लम, अब ये 15 आवर्स वाला यूज़ करता हूँ। आप जितना हाई, मतलब जितना ज़्यादा टाइम आपका, मतलब जैसे ये यहाँ पे 2 डेज 22 आवर्स बाकी है, तो मैं अभी इसमें 15 आवर्स यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं दूसरा छोटा वाला जैसे 60 मिनट्स ये सब यूज़ नहीं करूँगा। आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि छोटा वाला जो है उनको रख दीजिए, अगर बड़ा वाला ऐसे होता है, मैनेज हो जाता है, तो बड़े वाले को यूज़ कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये 2 डेज 22 आवर्स है इसको मैं 7 डेज से यूज़ करूँगा। आपका मैक्सिमम को एक्सीड ना करे, लेकिन मैक्सिमम के करीब जो जाता है उसको यूज़ कीजिए। तो 15 आवर्स वाला मैं यूज़ करता हूँ, ये 3 गया, 10 घंटा बाकी है। अब 8 आवर्स वाला, ओके 2 घंटा 34 मिनट, ओके ये 60 मिनट्स 2, ये 30 मिनट्स वाला 1, ओके अभी 1 मिनट वाला यूज़ करता हूँ, 2 और 31 सेकेंड है, ओके 1 मिनट यूज़ कर सकता हूँ। अभी मिल गया मुझे अपना पहला टियर फोर यूनिट, मतलब पावर कितना बढ़ेगा मेरा, अभी देखते हैं। पावर 3.7 से 3.86, वो 1.6 मिल, सॉरी 161,000 बढ़ गया मेरा पावर, वाह T4 अनलॉक। ओके पहले अपना स्टेबल को ख़त्म कर देते, अभी स्टेबल ख़त्म हो जा, बिल्डिंग स्पीड अप तो ख़त्म हो गया मेरा, अभी यूनिवर्सल स्पीड अप यूज़ करना पड़ेगा। 8 आवर्स वाला 1, 3 आवर्स वाला 1, 60 मिनट्स वाला 1, अब 15 मिनट्स डायरेक्ट यूज़ कर देते, हो गया मेरा स्टेबल। अभी मैं अपना ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा पहला T4 यूनिट 20 आवर्स ही, बहुत टाइम लगता है 1300 मिनट्स के लिए, 20 आवर्स 38 मिनट्स बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। नहीं इस मिनट है कहाँ पे? देखते इधर कोई ट्रेनिंग का रूम था, मैंने देखा था यहाँ पे, मुझे याद है मैंने देखा था ट्रेनिंग का रूम कहाँ पे है, कहीं पे है, तो उसको पे कलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ पे है। ट्रेनिंग स्पीड या सबसे करीब कौन है, 6 मिनट 6 मिनट 5, सब दूर दूर है, चलिए इसको भेज देते 5 मिनट्स, तब तक मैं ये आते रहते हैं, तब तक मैं वीडियो को पॉज करके आपको दिखाता हूँ। वो अभी कितना टाइम लग रहा है आपको देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, 20 आवर्स 38 मिनट 6 सेकेंड्स, तो कितना घटता है वो आप देख पाएंगे। तो मैं तब तक मैं देखता हूँ ये यहाँ से छूटा ना, तो इसको मेरा खाली करना पड़ेगा, मुझे ही खाली करना पड़ेगा इसको। ओके ये 5 मिनट्स कुछ समथिंग सेकेंड लगेगा, 5 मिनट लगेगा उसमें जाने के लिए, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से रिज्यूम करूँगा। ओके तो ये मेरा पहुँचने वाला है, जो मेरा जोनो आर्क है, ये इसको गैदर करने के लिए ट्रेनिंग स्पीड रून ऑफ वर्ल्ड राम 4 10% एक्स्ट्रा स्पीड। तो देखते हैं अभी कितना टाइम चाहिए, अभी चाहिए 20 आवर्स 38 मिनट 6 सेकेंड्स, और अगर मैं ये टियर 2 को अपग्रेड करता हूँ तो इसको 12 आवर 53 मिनट 49 सेकेंड चाहिए। तो देखते हैं ये गैदर करने के बाद कितना टाइम चाहिए। ओके ये गैदर होने ही वाला है, कुछ सेकेंड्स बाकी है, ओके 3 2 1, ओके हो गया। अब देखते हैं इसको रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है, ट्रेनिंग बैठाने में, पहले इसको बैठा देते, बहुत घटता है। देखिए 20 आवर्स एंड आई डोंट रिमेम्बर 46 मिनट्स चाहिए था शायद,
और अपग्रेड करने में इसमें 12 hours and 53 minutes तो बहुत खट गया। तो मैं अभी इसको पहले सोचा था कि न्यू यूनिट्स में बनाऊँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि मेरा जो पुराने यूनिट्स हैं उनको पहले कुछ अपग्रेड कर लेता हूँ, उसके बाद नया यूनिट्स बनाऊँगा। तो पहले पुराने यूनिट्स को अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड करके मैं इसको बूस्ट करता हूँ। ओके या हो रहा है अभी। ओके तो मेरा पहला T4 यूनिट्स आ चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा T4 यूनिट ये है, 1300 ट्यूटोनिक नाइट। ओके तो मैं बाकी जो बनाऊंगा, बाकी जो ट्रेन करूंगा वो आगे करूंगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी को, और आशा करता हूँ आपको मालूम पड़ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आप T4 को रिसर्च करने के स्टार्ट करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लेना ज़रूरी है। तो मैंने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप मत कीजिए, और अपने T4 के लिए अच्छे से रेडी होके जाइए। तो एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं राइज ऑफ किंगडम के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, बहुत सारे टिप्स गाइड्स एंड एवरीथिंग। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरे चैनल में वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।